अभी हाल ही में लास्ट स्टोरीज 2 जो आई है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, ये एक एंथोलॉजी है अर्थात फिल्म की तरह है, वेब सीरीज भी नहीं कह सकते इसको। इसमें 4 स्टोरीज दिखाई गई है, 2 घंटा या 14 मिनट कुछ आस पास के जो है इसकी जो है पूरी जो है लेंथ है, जिसमें जो 4 स्टोरीज दिखाई गई है। जहाँ पहली स्टोरीज तो जो है फोकस करती है मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर, जो कि इसमें हमारी जो नीना गुप्ता है वो एक दादी का रोल करती है, और ऐसी दादी जो कि भाई साहब भारत में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। क्या बोलती हैं, लो सुन लो डायलॉग। 36 के 36 गुण मिले ना मिले, अगर सेक्स अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। शाबाश, देख रहे हो क्या बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट ड्राइव देना चाहिए, कि कार की ड्राइविंग आप करे बिना जो है आप नहीं लेते, उसी प्रकार से जो है आपको ये करे बिना आपको जो है शादी नहीं करनी चाहिए। वो क्या बोल रही है, 36 के 36 गुण मिले या ना मिले भाई साहब, लेकिन ये जो है मिलना चाहिए, क्या ये मिलना चाहिए हिंदुस्तानी। देख रहे हो मतलब कौन से भारत के दादी भाई जो ऐसे डायलॉग बोलती है, और ऐसे कोई भारत के दादी अगर बोलने लगे भाई साहब तो हमें तो जो है इंग्लैंड और लास वेगास नंगा देश बनने में कोई देश नहीं लगेगा, पूरा सनातन परंपरा ही जो है बर्बाद हो जाएगी। और नेटफ्लिक्स वाले जो है हमें जो है हमारी भारतीय दादी को ऐसी दिखाते हैं, वो तो करण जौहर से भी एक लेवल आगे पहुंच गए, जहां करण जौहर तो अपना केवल एक जो है इमेजिनेशन वाला कॉलेज दिखाते थे जहां पढ़ाई के अलावा सब चीज़ होता था, और वो जो है अपना एक अलग लेवल का प्यार मोहब्बत दिखाते जो कि एक नज़र में प्यार हो जाता, जो कि असल में कभी होता नहीं है। लेकिन ये नेटफ्लिक्स वाले तो एक कदम आगे निकल गई है, तो हमारी दादी को नहीं छोड़ रहा, दादियाँ जिनसे हमें अलग लेवल का संस्कार मिलता है, जिन्हें हमें जीवन जीने का सीख मिलते हैं, जो कि हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान करती है, उनको जो है ये लोग क्या बनाते हैं। दादू को ऊपर वाले ने ना बुलाया होता ना, तो आज भी इस कमरे की कुंडी अंदर से बात आती। कुंडी अंदर से बात आती, बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब जो है नीना गुप्ता कैरेक्टर है, ये पहली स्टोरी है जिसमें जो ये दिखाया गया है कि दादी जी ये बोल रहे हैं। सेकंड स्टोरी है 2 महिलाओं की, जिनका परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बात किया जा रहा है कि अच्छा है, चलो ठीक ठाक है उनका परफॉर्मेंस, जहाँ एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है वाला बात है। तो वही बात है कि इन दोनों में जो है झगड़ा हो जाता है कि जो है काम वाली जो सक्सेसफुल औरत है उसको मिल नहीं रहा है, और वहीं उनके जो काम वाली है वो अलग लेवल का यास हो रखी है। तो ये तो है दूसरी स्टोरी। थर्ड स्टोरी आप कहती है आपके, हाँ, जिसके लिए वीडियो देखने आए हो, तमन्ना भाटिया वाली। तमन्ना भाटिया वाली स्टोरी में जो है ये जो हमारे एक्टर हैं जो कि मिर्जापुर के दद्दा के जो हमारे बेटे हैं, उनके लिए दद्दा जी कह के गए हैं मिर्जापुट्टू में। क्या कह के गए, ये देखे, ये कह के गए, जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। दद्दा जी हैं जो सीढ़ी वाला दद्दा जी हैं, वो जो है ये डायलॉग देके गए हैं इनके लिए, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले। इस वेब सीरीज में या फिर जो एंथोलॉजी फिल्म है इसमें जो है तमन्ना के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि 10 साल बाद उनसे मिलते हैं शायद, तो इसमें जो है तमन्ना के साथ उनका जो चलता है जो भी, तो तमन्ना भाटिया जी को लेकर ही तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो वही बात है कि तमन्ना भाटिया को जो हम सनातनी समझते थे उनसे भी जो है ये उम्मीद नहीं थी, तो वो जो है ऐसे वेब सीरीज में एंथोलॉजी फिल्म में काम कर रही हैं। वही बात है, वही वेब सीरीज़ को देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अगर आपको वो वाला कॉन्टेंट चाहिए तो आप जाके डायरेक्ट सर्च कर लो भाई। और रही बात इसमें तो गंदी बात लेवल का भी आपको कुछ देखने को मिले, वही बात है कि मिर्जापुर की जो हमारी ये भाभी जी डायलॉग बोलती है ना, गर्म करके ठंडा छोड़ दिया, लटे हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको, तो ये वाला डायलॉग जो है इस पे बिल्कुल फिट बनता है, क्योंकि आपको ऐसे संतुष्टि और गजम इससे तो मिलने वाला मेरे भाई, इसको देखोगे तो ये केवल अपने दिमाग को ख़राब करने वाला कंटेंट है। और तमन्ना भाटिया जैसे एक सबल, एक सुव्यवस्थित, एक जो है संस्कारी एक्टर जिसे हम कहते थे, उनसे जो है ऐसी उम्मीद मुझे तो नहीं थी कि वो ऐसे वेब सीरीज में या फिर एंथोलॉजी में जो है काम करेगी। अब बात यार है कि दोनों के बीच डेट भी चल रहा हो तो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वही बात है कि तमन्ना जैसे इतने संस्कारी और साउथ के जो एक्टर रहा है एक्ट्रेस हैं, इनसे मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कोई इतने घटिया वेब सीरीज में या फिर एंथोलॉजी में जो है काम भी करेंगे। चलो हटाओ, चौथा स्टोरी आता है आपके काजोल का, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट का रोल करती है, प्रोस्टिट्यूट यानी समझ जाओ कि जो असली समझ जाऊँगा, लेकिन उसका रोल करती है वो। इनका जो सीरियस लव स्टोरी है जिसमें जो है यास उनके पति को दिखाया गया है, और ऐसे उनकी कहानी चलती रहती है कि इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लस्ट स्टोरीज के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि लस्ट भाई इसका मीनिंग सर्च कर लो क्या होता है, यही बस बताया गया है। मतलब कोई भी कहानी हो आपको केवल घुमा फिरा के आपको उसी मतलब जो है मेन पॉइंट पे आपको पहुंचा देगी कहानी, वो अलग बात है कि इसमें जो है लस्ट के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि लस्ट का असली मतलब जो होता है वो आपको यहाँ कहाँ मिलेगा, हॉलीवुड में चेक कर लो। बात है कि ये सब जो है नाम मात्र का लस्ट स्टोरीज है, आपको टाइम पास झेलाने के लिए जो दे दिया गया है, और तमन्ना भाटिया तो इसका मेन अट्रैक्शन है जो कि आपको थंबनेल में भी देखने को मिल जाएगी। तो यही है लस्ट स्टोरीज, जो कि लस्ट के नाम पे आपका
काट देती है, जो कि कोई मतलब का नहीं है। ऐसे वेब सीरीज को बनना जो देनी चाहिए जो कि हमारे सनातन को बर्बाद करते हैं। खास करके पहला एपिसोड में गुप्ता के कैरेक्टर है जो कि भारतीय दादियों के रूप में जिनको चित्रित किया गया है, बहुत एक घटिया तरीके से दिखाया गया, क्योंकि कोई भारतीय दादी हमारी ऐसी नहीं है। और ऐसी भारतीय दादी अगर होने लगी तो हमें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में घुसने से, हमें स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सनातन धर्म को जो है परंपरा देने वाली हमारे बुजुर्ग ही होते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे पहले गुरु शिक्षक के रूप में वही कार्य करते हैं। हमारे घर के दादा दादी लोग जो होते हैं उनको ही इतने घटिया रूप से दिखाया गया है। और नीना गुप्ता जैसे ऐसे वरिष्ठ एक्टर को ऐसे रोल करते हुए देखने में सच में बुरा लगता है भाई। वो किज़म पूरी तरह से घुस चुका है हमारे भारतीय कॉन्टेंट में, तो इसको संभालना और बचाना बहुत जरूरी है। तो आपके क्या कहना है कि आपने लस्ट स्टोरीज 2 देखा है, कमेंट करके बताएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।